हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2020 मैथमेटिक्स के पेपर के लिए 10th क्लास के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, ठीक है, जो आपके पास पास्ट पेपर्स में रिपीट भी हो चुके हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं, और मोस्टली वही क्वेश्चन आपके पास रिपीट होते रहते हैं जो पास्ट पेपर्स में आए होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है, पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है। एक आपके पास फ्लो होता है पेपर का, शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास जिस फ्लो से आ रहे होते हैं उसी फ्लो से आते हैं, जो लास्ट पेपर हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्वेश्चन, लेकिन उसी पैटर्न पर होता है, ठीक है, मेथड वही फॉलो करते हैं लेकिन क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट होता है। तो मैं आपको उसके रिस्पेक्ट से बताता हूँ, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं यहाँ पे, आपको भी मैं नोट करवाता हूँ। तो हम आते हैं फर्स्ट चैप्टर से, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास है 4 एक्सरसाइज, ठीक है, उस 4 एक्सरसाइज में से आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 1.1 में, 1.2 में और 1.4 में से, ठीक है। एक्सरसाइज आपके पास 1.1, 1.2 और एक्सरसाइज 1.4, ठीक है, ये आपके पास 3 एक्सरसाइज हैं जिसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अब एक्सरसाइज 1.1 में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन किस में से आता है, क्वेश्चन नंबर मैं आपको नोट करवा रहा हूँ साथ साथ, क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट है 1-4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1-4 में से एक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 है हमारे पास, एक्सरसाइज 1.2 में से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 1-6, ठीक है, आपके पास इन 6 क्वेश्चंस में से आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 और 2, ठीक है, फर्स्ट 2 जो क्वेश्चन है उसमें से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग की वीडियो मैं आपको अलग से बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं और पेपर में आपके पास कौन से क्वेश्चन आते हैं और जो एक्सपेक्टेड है, ये मैं वो बता रहा हूँ जो एक्सपेक्टेड है 2020 के पेपर, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, जिस फ्लो से आपके पास पास पेपर्स में आ रहे हैं क्वेश्चन उस फ्लो से मैंने उसी तरतीब से देखा है, तो मेरे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखें इस आपके पास फर्स्ट चैप्टर में जो डेफिनेशन है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कौन कौन सी डेफिनेशन होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन आपके पास रेसिप्रोकल, एक्सपोनेंशियल एंड रेडिकल इक्वेशन, एक आपके पास डेफिनेशन इनमें से ज़रूर आनी है, रेसिप्रोकल, एक्सपोनेंशियल एंड रेडिकल इक्वेशन, 5 आपके पास डेफिनेशन है, 5 में से एक डेफिनेशन आपके पास जरूर आएगी, और आपके पास है 12 शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 4+6=10, 10+2=12, 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है, पूरे चैप्टर में से जस्ट मैंने आपको अब क्या बताई है, 4 डेफिनेशन बताई हैं और 12 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने। नेक्स्ट आप देखें आते हैं एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 की तरफ, यूनिट नंबर 2 में हमारे पास चूंकि इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज हैं तो इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ जो है वो थोड़ी ज़्यादा हैं, इसलिए हर एक्सरसाइज की पॉसिबिलिटीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं। एक्सरसाइज 2.1 आपके पास, एक्सरसाइज 2.1 उसका क्वेश्चन नंबर जो है 1 वो आपके पास कंप्लीट, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट उसका है 5-8, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 एक ही क्वेश्चन है और उसका एक ही पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3, देन एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 और 2 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आप देखें एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर आपके पास है 1 और इसका पार्ट है 1 और 3, पार्ट 1 और 3 ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन है। देन आपके पास एक्सरसाइज 2.4 हम एक्सरसाइज यहाँ लिख चुके हैं, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, इसमें इसके कुछ पार्ट होंगे इस वजह से मैंने ये कंप्लीट लिखा है आपके पास,
देन आपके पास है एक्सरसाइज 2.6, इसका भी क्वेश्चन नंबर वन। एक्सरसाइज 2.7, इसका आपके पास है क्वेश्चन नंबर। एक्सरसाइज 2.7 आपके पास कंप्लीटली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होती है। एक्सरसाइज 2.8 का है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और 5। क्वेश्चन नंबर 1 और 5, दो चैप्टर आपके पास हो चुके हैं कंप्लीट। एक्सरसाइज अब आते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 में हमारे पास एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 3 to 9, क्वेश्चन नंबर 3 to 9, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। देन हमारे पास है एक्सरसाइज 3.1 का ही क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 और 4। 3.1 क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट इसका है 1 और 4, ठीक है। देन आपके पास एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। देन हमारे पास एक्सरसाइज 3.3, ये आपके पास प्रोपोर्शन वाली एक्सरसाइज है, ये कंप्लीट होगी। इसमें आपके पास एक एमसीक्यूज भी आता है और एक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। देन हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 और 2। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं यहाँ से ये आपको रेज कर देता हूँ। हाँ जी, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 और 2। इसके बाद एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 और 2। तीन चैप्टर तब हमारे हो चुके हैं। तीन चैप्टर्स में आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो एक्सपेक्टेड 2020 के पेपर में है, गेस पेपर जिसे आप कह सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देन हमारे पास एक्सरसाइज इस चैप्टर में आपके पास डेफिनेशन कौन कौन सी है। इस चैप्टर में आपके पास डेफिनेशन है रेशो, प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। 4 डेफिनेशन हैं, 4 डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन आपके पास ज़रूर आएगी, ठीक है। देन हमारे पास है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में से एक डेफिनेशन आपके पास आती है, और वो डेफिनेशन किस किस में से होगी, रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 डेफिनेशन हैं कंप्लीट, और उसमें से एक डेफिनेशन मस्ट आपके पेपर में आती है। देन एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, 5 और 6, 3 क्वेश्चन आपके पास इस एक्सरसाइज में से हैं। देन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 और 4। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 और 3, एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1 और 5। 5 चैप्टर्स के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन लिख चुका हूँ। पेज नंबर 105 पे आपके पास डेफिनेशंस गिवन है, पेज नंबर 105 पे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये डेफिनेशंस आपके पास गिवन है। 3 to 4 डेफिनेशंस इसमें होंगी फंक्शंस की, ऑन टू, इन टू फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। इस तरह बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन है। तो इन 4 पॉइंट डेफिनेशन में से आपके पास एक डेफिनेशन भी आती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3, 4। पेज नंबर 143 पे आपके पास हैं डेफिनेशंस,
क्वेश्चन नंबर टू रिव्यू एक्सरसाइज है आपके पास, पेज नंबर 143 रिव्यू एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर टू। उसमें 7 से 8 डेफिनेशंस हैं, लेकिन उसमें से रिपीट का आपके पास मोस्टली रिपीटेड कौन सी होती हैं, मीन, मोड, मीडियन, अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस का शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन आपके पास हैं। एक्सरसाइज 7.1 आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6 एंड 12, ठीक है, कंप्लीट। इसमें आप ये क्वेश्चन है जिसमें आपने गिवन एंगल को सेक्सागेसिमल सिस्टम में चेंज करना है, सेक्सागेसिमल सिस्टम से आपने डिग्री और मिनट में चेंज करना है, देन आपने क्वेश्चन को रेडियन में चेंज करना होता है एंगल को, और लास्ट क्वेश्चन आपके पास रेडियन से आपने किस में चेंज करना होता है, डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करना होता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कंप्लीट लिखी है। 4 टाइप्स के क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान एक्सरसाइज है, सारी की सारी एक्सरसाइज सेम है, एक ही मेथड से होती है। देन हमारे 4 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं, तो 4 मेथड उसमें होंगे, हर एक क्वेश्चन एक ही मेथड से क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है उसके। देन आपके पास हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 1, 2, 3, 6 एंड 10 एंड 12, और लास्ट हमारे पास जो है एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 8। अब इसके बाद आपके पास 8 चैप्टर से स्टार्ट हो जाती हैं, डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती हैं, और वो डेफिनेशन भी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, जो 2020 के पेपर में आपके पास पॉसिबल हैं, आ सकते हैं, गैस पेपर जिसे आप कह सकते हैं। ये मैंने बहुत शॉर्ट की है, ठीक है, बहुत शॉर्ट करके ये क्वेश्चन निकाले हैं, इन क्वेश्चन में से ही आपका जो है 2020 का पेपर होगा इंशाल्लाह। एक्सरसाइज 7.4 का मैं लिख चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 to 8, और उसके बाद 2 शॉर्ट क्वेश्चन और हैं इसमें, वो हैं 21 एंड 22, ठीक है, इसी एक्सरसाइज में से। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 7.4 एक्सरसाइज में से 1 to 8 आपके पास मैंने लिखे हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22, ठीक है। देन आपके पास कुछ डेफिनेशंस मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। पेज नंबर 169 और आपके पास हैं क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 1, 2, 4, ये डेफिनेशंस होंगी बेटा। उसके बाद डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोजेक्शन, उसके बाद आपके पास है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देन आपके पास है सर्कल, रेडियल सेगमेंट, सर्कमफेरेंस, आर्क, कॉर्ड एंड सेक्टर, सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इन सब के साथ रेडियल सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, आर्क ऑफ द सर्कल, कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड सेक्टर ऑफ द सर्कल। इसके बाद हमारे पास थोड़ी सी डेफिनेशंस रहती हैं, जिसमें आपके पास हैं सीकेंट, टेंजेंट, और देन आपके पास हैं सर्कम एंगल, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल, और लास्ट में आपके पास 2 डेफिनेशंस हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल, सर्कम सर्कल, और लास्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो है एस्क्राइब्ड सर्कल। ये सारी मैंने डेफिनेशंस यहाँ पे लिखती हैं ताकि आपका जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो आपका अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सको। इसमें से आपके पास 9 डेफिनेशंस आपके पास आएंगी, वो सारी
अच्छा बेटा, ये आपके पास एक्सपेक्टेड जो 2020 में क्वेश्चन है, जिसे आप गेस्ट पेपर भी कह सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 3 है, ठीक है। आपके पास तीन पार्ट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन का, जो पार्ट 3 है उसमें आपके पास पेज नंबर 169 की इन डेफिनेशन से लेकर और ये डेफिनेशन मिला के इनमें से आपके पास 9 डेफिनेशन हैं आएंगी, ठीक है। तो ये मैंने सारी पॉसिबल डेफिनेशन जो आपके पास पेपर में आ सकती हैं वो लिख दी हैं इसमें, ठीक है। तो बेटा, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इल्म की दुनिया वेबसाइट को आप विज़िट करते रहिएगा।